आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। पवई के तहसील सिमरिया में पहुंचे रामबाई पथरिया विधायक बसपा, उनका साथ देने पहुंचे राजा पटेरिया पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायत बोदा के किसान और जेके नवनिर्माण सीमेंट के बीच भूमि अधिग्रहण का मामला तुलपा करता दिखाई दे रहा है। लगातार नेताओं का साथ किसानों को मिल रहा है। इवन युवा समाज सेवी अंकित पाठक के साथ समस्त किसान आज भी बोदा ग्राम के नजदीक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरना प्रदर्शन कर रहे, मगर आज भी कोई शासक प्रशासन का अमला किसानों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। किसानों की मांग है कि जमीन के बदले उचित मुआवजा जेके सीमेंट द्वारा दिया जाए। पथरिया विधायक रामबाई ने कहा, किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़े, संगठित होकर एवं किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। इसी बीच राजा पटेरिया ने बताया, जेके सीमेंट किसी गांव का विकास नहीं करती, वह अपना उद्योग स्थापित करने के लिए यहाँ आई है। किसानों को जेके सीमेंट से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जी, बहुत अच्छी बात बोली। किसान अपनी या जनता अपनी बुद्धि लगाता कहाँ है, उसे तो सिर्फ दो मुद्दों पे चुनाव लड़ने पड़ते हैं, जात पे और धर्म पे। कभी कब चुनते हैं विधायक जनप्रतिनिधि ऐसे के जो उनके हित के लिए खड़ा हो? नहीं तो, वो चुनते ही नहीं, नहीं तो ये समस्या कभी उत्पन्न ही ना हो जो आज उत्पन्न हो रही है। जो आज ऐसी जगह ऐसी समस्या उत्पन्न कैसे हो? दो चीजों पे, धर्म पे और जात पे चुनाव लड़ते हैं लोग और वोट देती है जनता। और जब तक शासन अंग्रेज जात पात को लेके अंग्रेज शासन कर गए, तो चंद नेता जो हमारे मध्य प्रदेश के भारत के हैं वो क्यों नहीं करें? वो जानते हैं कि इन लोगों को कैसे हम लोगों को मतलब भड़काना है, भड़कते हैं। कोई कह रहा राम पे, कोई कह रहा नाम पे, कोई कह रहा धर्म पे, कोई कह रहा जात पे। अब जात पे और धर्म पे चुनाव वोट देंगे तो जैसा इनका हो रहा है, ये दिख तो रहा सब सही बात है, भोग रहे हैं भाई। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार खड़ा होता है तो उसे वोट क्यों नहीं देते? आप लड़ोगे आपके साथ फैक्ट्री वाले मेरा मर्डर करा देंगे, लिखी होगी मर जाऊंगा, मैं तुम्हारा बाल नहीं उखाड़ सकते। और भाई तुम्हारा बाल उखाड़ेंगे, अपनी छाती अड़ा देंगे। आज चौथे दिन लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, इसके बाद भी कोई प्रशासनिक या शासनिक जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचा, जो कि पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये कोई भारत का बाहर का है, अब बाहर का देश नहीं है, अभिन्न हिस्सा है और मध्य प्रदेश को बीचों बीच का हृदय का दिल है। अरे आप सुन तो रहे हो, हम जनप्रतिनिधि बैठे, रामबाई विधायक गई है, अब रह गए प्रशासन को, तो प्रशासन से बात भी कर दी तुम्हारे सामने कलेक्टर से, अब और कैसे करिए? आपके आने दो चार दिन आ